Very good morning, ladies and gentlemen. So today, while we prepare for the market, अभी recent past में हमें कुछ चीजें दिखाई दी हैं जो कि normally नहीं दिखाई देती. कुछ phases होते हैं market ऐसे जहां पे volatility बहुत बढ़ जाती है और volatility बढ़ने के कारण हम अभी देख पाते हैं कि आने वाले दिनों में ये वोलेटिलिटी सेटल भी हो सकती है, यानी कि हमारे को हमें बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स शायद ना मिले, बहुत इजीली ना मिले. तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि हमें पेशेंटली वेट करना पड़ेगा. अब इस दायरे के अंदर जहां मैं पेशेंटली वेट करूंगा कुछ मूवमेंट्स की, वहां पे मुझे कुछ कुछ ट्रेड्स और कुछ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज आ रहे हैं जो ना तो सेक्टर स्पेसिफिक है कहीं कहीं पे और ना ही वो बहुत ज्यादा मतलब अभी डेवलप होने में स्टिल कहीं कहीं बाकी है टाइम, राइट. तो एक सेकंड मैं ये आरएसआई आपको लगा के, हाँ, उसमें सबसे पहला स्टॉक मेरी नजर में है आरईसी. REC. So REC is one stock which has been giving us a huge cup and handle pattern. ये बहुत बड़ा cup and handle pattern है और generally जब इतने बड़े size का pattern होता है तो उसके targets भी बहुत बड़े बड़े होते हैं. और जब ये pattern officially breakout हो रहा है और उसके पूरे रेंज के बाहर अंदर जाके एक बार वापस बाहर निकल रहा है, बहुत ठीक से ब्रेकआउट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कुछ बहुत धमाकेदार करने वाला है. शॉर्ट टर्म में भी ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली अप है और ये देखिए हम रिसेंट में देख रहे हैं कि आरएसआई में 780 जोन के आसपास यहाँ पे टच किया था और रिसेंट में वापस ऊपर जा रहा है. तो मुझे आरईसी में बहुत ज्यादा बुलिशनेस नजर में आ रही है. वीकली चार्ट बहुत स्ट्रांग है और इस प्रकार से लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में भी ये बहुत अच्छा स्टॉक रह सकता है. जब कभी भी हम देखेंगे कि कोई ऐसा फैक्टर जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि अंदर जा रहा है वापस पैटर्न के, फिर बाहर निकल रहा है, ये पैटर्न को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं क्योंकि एनी वे हम डील कर रहे हैं दो टचिंग पॉइंट है. तो अगर इसमें कोई बुराई की बात बुरी बात बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है. सेकेंड स्टॉक मेरे रेडार पे है टीसीएस. नाउ व्हेन वी लुक एट टीसीएस, वन ऑफ द थिंग दैट हैपेंस इज दैट TCS रिसेंट में बहुत धमाकेदार कुछ मूव्स ऊपर और नीचे दोनों दे रहा था और ब्रॉडली TCS और इंफोसिस ये दोनों ही मैं देख रहा हूँ एक सिमिलर आईटी स्टॉक सिमिलर सेक्टर में जो बहुत टाइट कंसोलिडेशन के फेज में अब पहुंच चुके हैं या रिसेंट 5-7 दिन में काफी टाइट कंसोलिडेशन हो रही है स्पेशली इंफोसिस में. यहाँ टाइट कंसोलिडेशन है, टीसीएस में भी टाइट कंसोलिडेशन है. ये दोनों स्टॉक्स वर्थ इट होंगे टू कीप ऑन रेडार. अब इनमें क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये मैं मार्क कर सकता हूँ, कुछ मैंने किए हुए भी है और अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको. बट द प्रॉब्लम इज कि हमें थोड़ा और डेवलपमेंट की वेट करनी पड़ेगी क्योंकि अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमारे रूल साथ में नहीं है. थोड़ा और डेवलपमेंट के लिए हम वेट करें और रिसेंट हाईज और लोज को हम नजर में रखें तो उसमें एक बड़ा ट्रेड भी निकल सकता है या कुछ स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड भी निकल सकते हैं, दोनों ही हो सकता है. इंफोसिस ऐसा थोड़ा ट्रेडर फ्रेंडली नहीं रहा है इंट्राडे वालों के लिए रिसेंट में, बट हम इसको ट्रैक करते रहेंगे. हो सकता है अब ये डाउन साइड आइदर ऑफ द साइड में कहीं कोई बड़ा मोमेंटम शुरू हो जाए, राइट. देयर इज वन मोर स्टॉक व्हिच आई हैव ऑन माय रेडार व्हिच इज श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस.
अब ये तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इसकी वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए करना होगा, और अगर आप उतनी वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाते तो ऐसा स्टॉक मत ट्रेड कीजिए या कैश में ट्रेड कीजिए, राइट। तो सबसे पहली बात यह है कि एक लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग वीकली चार्ट पे ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और ये वीकली चार्ट का ट्रेंड कुछ इस प्रकार से एक डिप में रेस्ट कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन है। ये वीकली और मंथली की बात करूं तो देखिए मंथली चार्ट इस प्रकार से बहुत टाइट कंसोलिडेशन में, और अब मार्केट ने हमें दिखाया कि मार्केट के पास है रेजिलियंस, मार्केट के पास है बहुत बुलिश पावर, और हालांकि इतने शार्प डिप्स जब होते हैं तो जैसे वेव सी के बारे में हमने कहा है हमेशा क्लास में, दैट एलियट वेव थ्योरी में वेव सी की पर्सनैलिटी और वेव थ्री की पर्सनैलिटी सिमिलर होती है, यानी कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होते हैं और जो एंडिंग मूव्स होते हैं दोनों में बहुत ज्यादा हाई मोमेंटम, बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम, बहुत ज्यादा हाई पार्टिसिपेशन ऐसा दिख सकता है। लेकिन जब हम देख चुके हैं कि मार्केट वहां से टर्न कर गया है और बहुत स्ट्रेंथ के साथ, ब्रेथ के साथ, और स्टॉक्स में भी, बाकी स्टॉक्स में भी ब्रेथ कैचअप हो रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में हैं। उस चीज को नजर में रखते हुए हमें अब, क्योंकि जब भी कोई ट्रेडर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ चीजों को नजर में रखता है, और मेरी भी लिमिटेड एक्सपीरियंस है, मैं जितनी उम्र है जितने टाइम से हूं यहाँ पर उससे ज्यादा एक्सपीरियंस लॉजिकली हो भी नहीं सकती, तो इसमें जो मैंने सीखा है समझा है उसमें ये है कि अगर कभी बुल मार्केट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म बुल मार्केट्स होते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक अभी पार्टिसिपेट करे। जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जैसे SRF, मैं इन्हें देख रहा हूँ, इस स्टॉक को बहुत टाइम से ट्रैक करो, और नवंबर में इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा था, वहां से स्टॉक मोर देन 30% रिटर्न्स दे चुका है, मोर देन 30%। वैसे ही ये जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड में पॉज आते हैं और जो स्टॉक्स है वो हो सकता है बुल मार्केट के अर्लियर पार्ट में नहीं चले लेकिन इवेंचुअली वो बहुत जोर का चल सकते हैं, तो ये मुझे बहुत तेजी वाला काउंटर लग रहा है। और यहाँ पर रिसेंट में हमने देखा स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव्स है वीकली पे भी और डेली पे भी, इसको ट्रैक रखना बहुत अच्छी बात होगी, और हो सकता है कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अभी भी कंटिन्यू हो जाए बहुत इमीडिएट बेसिस पे। तो SRT ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हमें नजर में रखना होगा, लॉन्ग टर्म में बहुत भयंकर है और रिसेंट में वीकली में ये मेरा व्यू है कि वीकली चार्ट में जो हम वीकली हाईस को पूरी तरीके से क्रॉस कर चुके हैं, सब जगह आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से क्रॉस कर चुके हैं वीकली हाईस को, तो डेफिनेटली देर इज अ लॉट ऑफ फायर पावर जो आ सकती है शॉर्ट टर्म में। अब जैसा मैंने कहा जब वोलेटिलिटी ऐसे स्टॉक्स में आती है तो बहुत जोर की आती है, और कभी कभी जो रेस्टिंग फेज होता है वो भी बहुत चौपी हो जाता है, तो आप ये बात जरूर एक माइंडसेट में रखेगा क्योंकि हम जब ट्रेड करते हैं हमें ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि हम किस स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, उसका नेचर क्या है मूवमेंट का, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है उनके जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं रीसेंट पास्ट के, हम उसको एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या इम्पोर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी के केस में, मैंने मार्किंग्स निफ्टी के केस में किए हुए बट बैंक निफ्टी के केस में कुछ मार्किंग्स करूंगा। सबसे पहले तो ये रीसेंट हाई, ये जो जोन है जहां पर पहले भी मार्केट रीसेंट पास्ट में एक बार सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस आया, और अब जो जोन है इन जोन को देख के लगता है कि मार्केट की जो ये कल की हाई है, ये हाई जिस लेवल पे लिया है, तो एक तो बाय इटसेल्फ डेली हाई है तो वीकली चार्ट पे डेली चार्ट पे इस प्रकार से, और दूसरी बात ये है कि
या तो ये डेली हाई या तो इम्पोर्टेंट हाई बाई इटसेल्फ है, क्योंकि नेचुरली किसी दिन का हाई, कोई भी टाइम फ्रेम के कैंडल का हाई इम्पोर्टेंट हो गया जब हम जनरली बात करें उस टाइम फ्रेम में. लेकिन दूसरा, ये इंटरैक्शन पॉइंट भी बहुत वैलिड है, तो हमें डबल कंफर्मेशन मिलती है इस इंटरैक्शन जोन के बारे में. अब एक चीज जानना जरूरी है कि जिस मार्केट को हम देख रहे हैं अभी, इसमें एक वी शेप रैली है. अब समझ रहे बात को, इट इज अ वी शेप रैली ओवर हियर, एंड इट इज वेरी इंपेरेटिव फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन एवर दिस काइंड ऑफ वी शेप्ड रैलीज अकर, इट मीन्स दैट प्रोबेबली देयर नॉट बीन मच टाइम करेक्शन. नीचे जब गया मूव, ऊपर जब आया मूव, सब कुछ हो गया, लेकिन टाइम अब्सॉर्ब नहीं किया प्राइस ने. और आई थिंक इस वीक का जो थीम है, और आने वाले 1 से 2 वीक में ये थीम भी प्ले आउट हो सकता है मार्केट में. जब हम देख रहे हैं कि जो जैसे यहाँ पर मार्केट झट से नीचे गया, झट से ऊपर आया, यू सी आफ्टर दैट ये 2-3 दिन पहले तो कंसोलिडेट करेगा, फिर स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहा है. तो इस प्रकार के जब ट्रेंड्स होते हैं, जब हम देख पाते हैं कि हाँ यार ये तो एकदम झट से ऊपर झट से नीचे हुआ, तो या तो वो बहुत टाइम टेकिंग और सब डिवाइडेड मूव्स होते हैं, जिसमें देखो यहाँ पे आके बेस बिल्डिंग होना पड़ा, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मूव्स आए इस प्रकार से. तो झट से ऊपर झट से नीचे, इससे जनरली हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, इससे टाइम अब्सॉर्ब होगा, क्योंकि जो झटके वाला मूव होना था वो रिसेंट में हो गया, अब वो वोलेटिलिटी को सेटल होनी होगी. ऐसा नहीं है कि वन साइडेड नहीं रह सकता, इट्स जस्ट दैट स्पीड भी चेंज हो सकती है. दूसरी बात, क्या सिर्फ ऐसा, क्या डीप करेक्शन हो सकता है? एक डीप करेक्शन आने की भी संभावना हो सकती है. या तो करेक्शंस डीप होते हैं या तो साइडवेज होते हैं, तो दोनों ही संभावनाएं हो सकती हैं, और दोनों संभावनाओं को हमें ध्यान में रखना होगा. अभी के लिए हमारा जो नोशन रहेगा, अजम्पशन रहेगा, दैट इज की शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है अप है. अभी अजम्पशन से चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज अपने जो भी अभी कर रहे हैं ये हम अपने आप को रीवायर करते हैं, हम अपने आप को फोकस करते हैं. जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बार बार बोलता हूँ कि फोकस करना जरूरी है टोटली मार्केट्स के ऊपर, हमारे एम टू एम के ऊपर नहीं. और टेक्निकल एनालिसिस के लाइट में हम जब भी ऐसा सिचुएशन देखते हैं दैट एक सेट ऑफ अजम्पशंस हमारे पास है, वो सेट ऑफ अजम्पशंस हमारे एनालिसिस को इन्फ्लुएंस करती है. और ये मार्केट एनवायरनमेंट में अगर चेंज आए तो वो अजम्पशंस में चेंज आना बहुत जरूरी है. जो रिटेल ट्रेडर है जनरली बोलेंगे अरे टीवी में वो आया, ऐसा बोल दिया, गलत हो गया, लोगों को सुनाते रहेंगे सब. लेकिन सीरियसली जो रियलिटी है वो यही है कि मार्केट एनवायरनमेंट कब चेंज हो जाएगा वो बहुत एक्यूरेटली, सुपर एक्यूरेटली हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्लोज प्रोबेबिलिटीज देख सकते हैं. तो हम क्लोजेस्ट प्रोबेबिलिटी देखते हैं जब हमारे पास ज्यादा चीजें होती है उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या प्रोबेबिलिटीज है, और आज हमारे पास जो टूल्स हैं उस चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए वो हम देख रहे हैं, राइट? तो हम देख पा रहे हैं कि अभी इंटरेक्शन जोन बैंक निफ्टी आया उस एरिया में, सिमिलरली निफ्टी भी एक सिमिलर इंटरेक्शन जोन के आसपास है. तो 12,100 टू 12,150-60 ये एरिया, यहाँ से हम से उस समझ लीजिए 2 दिन में कंसोलिडेशन हुआ है इस एरिया में. अब या तो ये कंसोलिडेशन और हो सकता है, या तो हमें जब पावरफुल मूव्स मिलते हैं जहाँ पार्टिसिपेशन होती है वो हो सकती है. पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि तो लास्ट 2 दिन जब निफ्टी ने रेस्ट किया, बैंक निफ्टी ने रेस्ट किया, तो कुछ स्टॉक्स ने भी रेस्ट किया, काफी स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कुछ स्टॉक्स ने रेस्ट किया, कुछ स्टॉक्स वापस नीचे रिज्यूम कर, जैसे हमने देखा इंफोसिस, टीसीएस है, ये पूरा रेस्टिंग मोड में चल रहे हैं. ये पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा मूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ है. तो वो स्टॉक्स जो निफ्टी को बहुत ऊपर लेके गए थे, जिनमें मूवमेंट डेफिनेटली कंसिस्टेंटली हो रहा है, उन स्टॉक्स में रेस्ट आ सकता है, राइट?
रिलायंस ऑल्दो मेरे रडार पे था क्योंकि इसमें बहुत शार्प डाउन मूव थी, लेकिन हम थोड़ा पैटर्न डेवलपमेंट का वेट करेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा दिख रहा है, जो इवनिंग स्टार मैंने आप लोग सबको सिखाया था, जो मोर देन 50% ऑफ द बॉडी ऑफ द कैंडल, और ये स्प्रिंग टॉप ऊपर और ये पूरा का पूरा मॉर्निंग स्टार स्प्रिंग टॉप है, वो बीच में आ रहा है ये बेरिशिंग अल्बम, तो ये क्लासिकल है इन नेचर। और इस केस में इसकी पोजीशनिंग एक डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक में, तो अगेन हमारा सेट ऑफ अजम्पशन, और मैंने क्या कहा था हर कैंडलस्टिक पैटर्न अलग टाइप से ट्रेडिंग होती होगी, इसमें हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड्स नहीं होती है क्योंकि इसका पैटर्निंग इटसेल्फ इतना बड़ा है। तो या तो हम थोड़ा सा पैटर्न डेवलपमेंट का वेट करें, और या फिर हम देखेंगे जब थोड़ा पुल बैक आएगा इसके अंदर तब ये कैसे रिविजिट हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है टू कीप अ ट्रैक ऑन, कुछ इसमें इंटरेस्टिंग दिखाई दे सकता है। राइट राइट, देखिए आप आवली चार्ट में देख रहे थे, इसमें कोई पैटर्न डेवलपमेंट एसेस नहीं दिखाई देता, जबकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि दिखाई देता है जब हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं तो। राइट, टू व्हीलर स्पेस में आईसीएम मोटर्स, बजाज ऑटो, इधर हम सेंस ऑफ कंफ्यूजन फील कर रहे हैं क्योंकि ना ये स्टॉक्स बहुत ऊपर गए ना ही ये स्टॉक्स बहुत नीचे गए, अल्टीमेटली लास्ट 5-7 दिन में ये बराबर हो गए, तो एक बार एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन है। जो बाकी ऑटो स्टॉक्स हैं लाइक मारुति या टाटा मोटर्स, उनमें भी एक सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी ही नजर आ रही है हमें इस प्रकार की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्पेस हो सकता है जहां पर आने वाले दिनों में मूवमेंट्स हो। रिसेंट में जहां मूवमेंट्स हुए जैसे स्टील सेक्टर, तो स्टील सेक्टर में हमने देखा अगेन अ लॉट ऑफ वी शेप रैलीज हैपन, और कुछ स्टील स्टॉक्स तो बहुत ही उमदा मूवमेंट लेके आए हमारे पास। जब हमने ऐसा देखा है रिसेंट पास्ट में, एंड पर्टेनिंग टू ऑल द टेक्निकल एनालिसिस जो कुछ स्टूडेंट्स ने ट्रेड भी किया था उसके ऊपर, जैसे GSW स्टील में और हिंडालको में पर्टिकुलरली, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने फोन किया कि उन्हें बहुत शार्प मूवमेंट्स मिले ओनली प्योरली उन्होंने कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे इंट्राडे में पोजिशन ली और उसको होल्ड करके रखा, सो दैट वॉज समथिंग विच वॉज वेरी नाइस। और ये वी शेप रैलीज है, एक एक्सट्रीम डाउन मूव के बाद एक एक्सट्रीम अप मूव आ गया यहाँ पे, बट अगेन यहाँ पे हम एक शिफ्ट देख सकते हैं दैट अब जो सेक्टर्स परफॉर्म करने वाले हैं कमिंग वीक में, और मैं वीक का बोल रहा हूँ सिंस वी आर मंडे, बट जनरली डेली बेसिस पे भी बोल रहा हूँ सिंस आई एम लुकिंग एट डेली चार्ट, थिंग्स लाइक द ऑटो सेक्टर, द IT सेक्टर, मूवमेंट्स ओवर हियर आर पॉसिबल, also sectors like steel which need to rest because they've been participating too much. One stock which has been a real good king is in Bajaj Finance, we have spoken about it previous session mein, aur ek bade time frame mein hum dekhenge aur chote time frame mein dekhenge, long term trend to hai, is time frame mein hum dekh sak rahe hain ki ek bahut strong cup and handle banta hai yahan pe, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल बनता है जो एक कंटिन्यूएशन टाइप का है, इसके अंदर जो हैंडल है वो बाय इटसेल्फ एक कप एंड हैंडल जैसा दिखता है, और इसके थ्रोबैक के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव चल रहा है इसमें, सो ट्रेंड अभी भी जारी है, किसी भी प्रकार की डिप आना, कोई भी करेक्शन आना इसमें यहाँ से और ऊपर जाने की संभावना, ये एक ऐसा स्ट्रेंथ दिख रही है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स निफ्टी से 50 स्पेस का। अब जब स्पीकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लॉन्ग टर्म, तो हमारे पास और स्टॉक्स है जैसे एशियन पेंट्स है, जुबलिन फूड है, बाटा है, तो ऑब्वियसली वो हम हमेशा रेडार पे रखते हैं बिकॉज उनमें जब मार्केट में ओवरऑल मूवमेंट आती है उन शॉर्ट टर्म साइकिल्स में इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट आने की चांसेस होती है। हमारे FMCG स्पेस में हिंदुस्तान यूनिलीवर
एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत हाल फिलहाल में बुलिश रहा, हमने डिस्कशन भी किया था इसका इस जोन में, और तो इससे न्यू लो बनाया, कुछ दिन तो ऊपर गया फिर न्यू लो बनाया। तो ये जब न्यू लो बनाया हम क्या इसे सीखते हैं कि ये देखिए पूरा का पूरा एक अक्यूमुलेशन का फेज है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुई है। और मैंने क्या कहा, टाइम करेक्शन का मौका नहीं मिला। तो अभी रिसेंट 4 दिनों में देर हैज बीन लॉट ऑफ टाइम करेक्शन, लाइफ टाइम हाई पे है स्टॉक। डेफिनेटली ये एक ऐसा स्टॉक है जो रिडार पे होना चाहिए, मतलब इसमें कोई शक की बात ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं। डाबर अगेन, और हमने डाबर पे डिस्कशन की थी। डाबर मैं पर्सनली बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं ट्रेड करने में, तो मैं नहीं करता हूँ ट्रेड। बट एज अ एनालिस्ट, एज समवन हु इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज जो कि बहुत ही उमदा अपॉर्चुनिटीज हो लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसको आप रिडार पे रख सकते हैं। डाबर लॉन्ग टर्म में हम देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को, देयर हैज बीन अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट व्हिच इज हैपनिंग ओवर अ रेजिस्टेंस जोन एंड लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम हाई, ऑल ऑफ देम हैव बीन क्रॉस वेरी सक्सेसफुल। सो वीकली चार्ट इज पॉइज्ड यू नो टू Just a huge launch pad altogether. Weekly chart is poised to go up. So again, we have some very good things happening in the FMCG sector. Excuse me, early morning burps. Yeah, McDowell, we've been speaking about recently again. And on the daily chart, I had this level chalked out. We had spoken about this level, if you remember. How many of you remember? Please raise your hand. How many of you remember? Okay. Thank you. Yeah. So when we see that these levels have been taken out, now this is a very, very developed handle of a cup and handle. Now patterns rarely are how exactly you see them in textbooks, right? So this is very developed. Could it be more developed? Yes, given the size of the pattern, could be more developed. But in such situations, one thing you have to do is assume the trend to be short-term trend to be up and follow the time frame on the shorter, smaller time frame, follow the stock in that light, in the smaller time frame. So somebody who is getting a morning trade and is looking to scalp in the morning, keeps this stock on the radar, gets it in the first 5 to 10, 15 minutes, okay? Get it in the first 5, 15 minutes, something like that. You get these kind of scenarios. See, last 2 days high breaking. So who are scalping on a very fast note or who want to hold on to short-term trades, get those quick trades which are coming from, you know, 2, 3 day high. This one above the 2 days high, let me enter because it has been a consolidation and it has been something which has been a super strong trend in the recent past. So this could have been a perfect entry point for that kind of an intraday trader. Now those people who are looking for trades during the middle of the day, they would like to see, okay, what my undertone of the market is and what is the daily chart, and do during 11 o'clock, 10 o'clock when I start doing my analysis, because I have some price data for my intraday analysis. What is the market phase showing me? These factors are very important for us to be able to trade significantly with some degree of accuracy, with some degree of discipline, and all degree of consistency. Whenever we are trading, our focus should be to trade for consistency. If you're trading for gains, if you're trading for big gains, you'll get them sometimes. If you're trading for small gains, you can get them as if things are random. But if you trade for consistency, you will have a very strong clarity about, okay, this is what I have to keep my consistency. This is what I have to keep my eye open out for. This is what I have to risk. This is how much I have to book profits. This is the kind of move I'm looking for. When there's a confluence of all these factors, a confluence of all these factors, that is going to create a lot of
plus point for you. And when you have created this confluence, multiple factors, and that becomes a function of your consistency. That can be the most important thing. Let it become the function of your consistency. Without making things a function of your consistency, it's not going to make any difference what you're trading, because the market environment keeps changing and your analysis will be a set of assumptions, right? Market phase is very important. I'm writing this article, I'll post it everywhere today, I guess. I'll finish it off today. I was making a lot of comparison between sports and trading. One of the common things between sports and trading is, in the sporting arena, there is constant change in the environment, right? So keep these subtleties in mind. Okay, one last sector we'll speak about is the pharmaceutical sector. And two stocks particularly should look bazooka to me. I like to call this bazooka stocks, right? One is Aurofarma and the other is Biocon, which have come out of a strong launch pad in both these cases. Aurofarma a little more a short-term launch pad, but yet it has come out very strongly. Strong launch pad. So kind of any dip I get on this, it just seems so mouth watering to me, because you see all the factors are just coming up so well. One second, I'll just open the intraday chart of Biocon here. Just coming up so well. I see the RSI has moved, has been hitting around the 60 area, not going anywhere, with a consolidation and really goes above the 60 zone. That is excellent. When I put the Bollinger band in place, just smoothly, you know, it's like you have somebody scooping out an ice cream from the middle band and flicking it in the air. It's like that. So these kind of moves are something I really look forward to. Aurofarma, we've been speaking about before this also. And on the daily chart is the launch pad. It's a huge launch pad. I always say, again, sharp trends don't easily go fall in for the double patterns. But now we are like a somewhat like an inverse head and shoulder. I would not say the right shoulder is very developed, but we can also call this area a cup and handle and a throwback into the pattern and back again. Huge volumes, huge movement, and so much more to go, okay, which could happen. Now, long term, we did see some distribution right over here. So we got to be careful with that factor, because we saw a lot of distribution happen. So there are certain counter energies over here, but that is the case with every pharma stock. Okay, that there has been some distribution in recent last few years back, even Dr. Reddy for that matter. Okay, one second. There has been some distribution in the past. Okay, a lot of things, except for Lupin, I guess, which is one particular amongst Aurofarma, and Biocon is on my radar. They are developing, the same similar product like that. And the sector seems to be promising in the short term. Okay, guys, so we will call it a day today and come back with some more stocks. We'll flip around with some more charts, sharp 7:15 tomorrow morning, 7:15 a.m. And those who are watching this on YouTube, I hope you guys are having a great time. Have a look at the previous market videos. And if you go to my old videos, there's a lot of learning over there, a lot of trading psychology videos, a lot of videos on the basics of technical analysis or intraday trading or various many different kind of topics. So just go and enjoy the YouTube channel. Have fun, everyone. Thank you so much for coming today morning.
And as they say, early to set, early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. The first, very first thing which you do by waking up early is start to have a grip on your mind. And think that is something which not just is important, I think generation is missing in a huge way. Huge way. Okay. So thank you all. Sahal, I just saw your message. You should have told me that 2 minutes earlier. Okay, so we'll just keep the flow on right now. Thank you so much, guys, for coming. I hope you understand, Sahal. Right. Thank you so much for coming, everybody. And have a look at 1 second. Thank you all. Bye bye. Take care.